सो हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स एंड माय डियर पेरेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई थिंक बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अभिषेक। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि हमारे देश में गवर्नमेंट कुछ भी कर ले, वो करप्शन को, नीट एग्जाम के स्कैम को और MBBS एडमिशन स्कैम को रोक नहीं सकता है? शायद आपका जो आंसर है वो यस में हो। जी हाँ, एक बहुत बड़ी अपडेट है, एक शॉकिंग अपडेट है आप सभी नीट एस्पिरेंट के लिए। वो बिहार से है। मैं आपको बता दूं कि बिहार में MBBS एडमिशन के लिए जो काउंसलिंग की वेबसाइट है BCECEB, इस वेबसाइट पर बहुत सारे ऐसे बच्चों का रजिस्ट्रेशन सामने आया है जो काउंसलिंग में अपेयर ही नहीं हुए। जी हाँ, सपोज दैट आप बिहार से हैं और आप नहीं चाहते हैं कि आप बिहार के स्टेट काउंसलिंग में अपेयर हो, आपका नंबर कम है, या फिर आप चाहते हैं कि नीट ऑल इंडिया कोटा में आप अप्लाई करें और जब रिजल्ट आए तो ये सो कि आप भी रजिस्टर्ड हैं, तो ये स्कैम हुआ और ये स्कैम बहुत बड़ी मात्रा में है। फाइनली एक न्यूज़ आई है हिंदुस्तान ई पेपर की तरफ से, बताया गया है, इसमें लिखा हुआ राज्य के मेडिकल कॉलेजों में नामांकन के लिए कई छात्रों ने पंजीयन नहीं कराया, फिर भी BCECEB को की वेबसाइट पर उन्हें पंजीकृत दिखाया जा रहा है। इससे बहुत सारे छात्र छात्राएं परेशान हैं। अब तो कितना बड़ा स्कैम हो रहा है कि बच्चे है ही नहीं वहाँ पर और उनके नाम पर वहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो रहा है। ऐसे ही नीट एग्जाम में आपने देखा होगा कि बहुत से बच्चे जिनका पेपर बहुत अच्छा हुआ था, उनके साथ क्या हुआ कि जब रिजल्ट आया तो उनके नंबर बहुत कम आए। तो वही चीज यहां पे अप्लाई हो रही है, आपके नाम पर किसी दूसरे बच्चे को MBBS अलॉट कर दिया जाएगा और आप बैठे रह जाएंगे। इस स्कैम पे ना तो गवर्नमेंट कोई एक्शन ले रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट, और ना ही बिहार की नीतीश सरकार, स्टेट गवर्नमेंट। क्योंकि इस विषय पे वीडियो बनाना जरूरी था कि आप सभी अपने स्टेट की वेबसाइट्स पे एक्टिव रहें। अगर आपका MBBS करना है तो आपको जागरूक रहना पड़ेगा, स्पेशली अगर आप बिहार से हैं तो आप देखें कि क्या आपका भी तो रजिस्ट्रेशन नहीं हो गया है, और अगर हो गया है तो आप उसमें अपेयर हों और अपनी सीट लें, ठीक है? तो इस छोटी सी बट काफ़ी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन में इतना ही, और इस पूरे टॉपिक पे जो स्कैम चल रहा है MBBS एडमिशन का, क्या आपके स्टेट में भी ऐसा कुछ हो रहा है? अगर हाँ तो उसके लिए भी आप अपने कमेंट्स हमें दे सकते हैं। फिलहाल के लिए आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अच्छे से पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।